हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर से जो है फर्स्ट पेपर को देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे शिक्षा के साधनों का अर्थ व वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा के जो साधन है उसका अर्थ। साधन या अभिकरण अंग्रेजी वर्ड एजेंसी का जो है हिंदी रूप है। एजेंसी को देखें तो यह एजेंट का जो है कार्य करता है, जिसका अभिप्राय हुआ वह वस्तु या व्यक्ति जो कोई कार्य करे या प्रभाव डाले। यहाँ पर जो है शिक्षा के साधन वे तत्व कारण स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर जो है शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। बी डी भाटिया के अनुसार देखें तो समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक संस्थाओं का जो है विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को ही शिक्षा का साधन या अभिकरण कहा जाता है, यानी कि जिस माध्यम से जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं वह शिक्षा का जो है साधन हुआ। शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण को देखेंगे। ऐसे तो शिक्षा के साधन का मुख्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम चार भागों में बांट के देखते हैं। सक्रिय व निष्क्रिय साधन, व्यवसायिक और अव्यवसायिक साधन, औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक या औपचारिकेतर साधन। सबसे पहले देखेंगे सक्रिय व निष्क्रिय साधन को। सक्रिय साधन में जो है शिक्षा सक्रिय रूप से दिया जाता है। वहाँ पर जो है शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में जो है प्रत्यक्ष रूप में क्रिया और प्रतिक्रिया जो है होती है। इसके अंतर्गत जो है घर में शिक्षा दिया जाता है, परिवार हुआ, विद्यालय हुआ, धार्मिक संस्थाएं, उसके बाद जो है समाज, राज्य आदि इस श्रेणी में आते हैं। निष्क्रिय साधन, निष्क्रिय साधन जो है शिक्षा का प्रभाव इसमें जो है एक तरफा होता है, यानी कि एक ही पक्ष जो है सक्रिय होता है और दूसरा जो होता है वह निष्क्रिय होता है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि। इसमें श्रोता, दर्शक या पढ़ने वाला ही जो है सक्रिय होता है। सिखाने वाले पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। दूसरा देखेंगे व्यवसायिक और अव्यवसायिक साधन। व्यवसायिक जो है इसमें जो है शिक्षा के व्यवसायिक साधनों का उद्देश्य व्यवसायिक होता है। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम निश्चित दृष्टिकोण को जो है ध्यान में रखा जाता है। प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, पत्र पत्रिकाओं, नाटक आदि के स्थान जो है इसमें दिया जाता है। शिक्षा का अव्यवसायिक साधन, इसका उद्देश्य जो होता है न तो व्यवसायिक होता है और न ही इसका जो है शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वह समाज सेवा करना, जैसे कि खेल, क्लब, समाज कल्याण आदि। ये साधन अपने कार्यक्रम में भाग लेने वालों को जो है ज्ञान में वृद्धि करते हैं, साथ ही सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। अब देखेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन। औपचारिक को जो है फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन में निश्चित योजना, नियमित समय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, निश्चित समय में जो है निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त की जाती है। समय पर जो है परीक्षा देनी होती है और पास करने के उपरांत जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो हम विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं वह सब क्या है औपचारिक शिक्षा। शिक्षा का जो है औपचारिक के बाद जो है अनौपचारिक साधन को देखेंगे। अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित योजना नहीं होती है और न ही कोई निश्चित नियम होते हैं। बालक अपने मूल रूप से ही रहकर अनुभव या शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक साधनों का प्रभाव बहुत ही गहरा और व्यापक होता है। इसके द्वारा अनजाने में ही आदतों, व्यवहारों, रुचियों, दृष्टिकोणों का जो है निर्माण हो जाता है। इसमें परिवार, धर्म, राज्य, समाज, रेडियो, समाचार पत्र
युवक समूह आदि आते हैं। इसमें न कक्षा कक्ष है, न कोई पाठ्यक्रम, न परीक्षा और न अनुशासन होता है। सभी जो है पूर्ण रूप से अनियंत्रित होता है। निरौपचारिक या औपचारिकेतर साधन, अंग्रेजी में इसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा जो है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच की स्थिति है। औपचारिक शिक्षा पूर्ण रूप से ही नियंत्रित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, नियमित कक्षा समय, परीक्षा, प्रमाण पत्र, अनुशासन, आयु, योग्यता आदि जो है नियंत्रित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में ये सभी पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं, यानी कि सीखने वाला स्वतंत्र होता है। न परीक्षा, न नियमित समय, आयु, योग्यता सभी जो है अनियंत्रित होते हैं। इन दोनों के बीच में जो है नया स्वरूप शिक्षाविदों ने विकसित किया है, जिसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा कई क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रित होता है। वह साथ ही साथ कई अन्य क्षेत्रों में जो है अनियंत्रित भी होता है, जैसा कि परीक्षण, पाठ्यक्रम जैसे मुद्दों पर जो है नियंत्रित होता है। परंतु छात्र को जो है पूर्ण योग्यता, स्थान, आयु आदि के संबंध में कोई नियंत्रण नहीं रहता, जैसे कि पत्राचार पाठ्यक्रम, खुले विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, SIT कार्यक्रम आदि। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। धन्यवाद। तो ये था शिक्षा के साधनों का अर्थ और वर्गीकरण।